नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आप देख रहे हैं विजय तिलक। पूरे देश को 10 मार्च की तारीख का इंतजार है, लेकिन एबीपीसी वोटर के एग्जिट पोल ने अभी से ही यूपी की तस्वीर साफ कर दी है। एबीपीसी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। 3 दशक से यूपी में जो सत्ता परिवर्तन का रिवाज चला आ रहा है, वो इस बार टूटता नजर आ रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में कौन जीतेगा? कौन लखनऊ की गद्दी पर काबिज होगा? किसके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा होगा? कौन जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा? इसका फैसला 10 मार्च को आएगा, लेकिन एबीपीसी वोटर के एग्जिट पोल में यूपी की तस्वीर साफ हो गई है। यह एग्जिट पोल यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 228 से 244, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 132 से लेकर 148 तक, बीएसपी को 13 से 21, कांग्रेस को 4 से 8 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मतलब यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का जादू चलता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 40.5%, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 33.6%, बसपा को 16.7%, कांग्रेस को 5.2% और अन्य को 4% वोट मिल रहे हैं। यानी वोट प्रतिशत को देखें तो भाजपा 2017 से भी बेहतर करती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में पिछले 3 दशकों से सत्ता परिवर्तन की परंपरा इस बार टूटती नजर आ रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, असल तस्वीर क्या होगी ये 10 मार्च को साफ होगी जब नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में 7 चरणों में मतदान हुआ, लेकिन किस चरण में किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में क्या सामने आया है देखिए। चार सौ तीन विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश पश्चिम, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बटा है, जहाँ एक रीजन का सामाजिक ढांचा दूसरे रीजन से एकदम अलग है। लेकिन जब बात सरकार बनाने की आती है तो हर रीजन अपने आप में अहम हो जाता है। इस बार यूपी में 7 चरणों में मतदान हुआ, लेकिन किस चरण में किस दल को कितनी सीट मिल रही है ये भी समझ लीजिए। पहले चरण में कुल 58 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 28 से 32, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 23 से 27, बसपा को 2 से 4, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में कुल 55 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 23 से 27, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 26 से 30, बसपा को 1 से 3, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। मतलब दूसरे चरण में सपा भाजपा से आगे है, जबकि तीसरे चरण में कुल 59 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 38 से 42 सीटें, सपा गठबंधन को 16 से 20 सीटें, बसपा को 0 से 2, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। यानी तीसरे चरण में भाजपा सपा से कहीं आगे है। वहीं चौथे चरण में कुल 59 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 41 से 45, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 12 से 16, बसपा को 1 से 3, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। मतलब चौथे चरण में भी भाजपा को बढ़त है, जबकि पांचवें चरण में कुल 61 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 39 से 43, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को
14 से 18, बसपा को 0 से 1, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं छठे चरण की अगर बात की जाए तो छठे चरण में कुल 57 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 28 से 32, समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के सहयोगियों को 18 से 22, बसपा को 3 से 5, कांग्रेस को 2 से 4 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। और सातवें चरण की बात की जाए तो सातवें चरण में कुल 54 सीटें हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 25 से 29, सपा गठबंधन को 17 से 21 और बसपा को 4 से 6, कांग्रेस को 0 से 3 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मतलब दूसरे चरण को छोड़कर बाकी सब चरणों में भाजपा को बढ़त है, और ये बढ़त का ही असर है कि सूबे में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जितनी जबरदस्त यूपी की जंग दिख रही है, उतनी ही जोरदार घमासान उत्तराखंड में भी है। यहाँ हर कोई जानना चाहता है कि 22 में पहाड़ किसका विजय तिलक करने जा रहा है। आपको दिखाते हैं एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में क्या नतीजे सामने आए। उत्तराखंड पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। 70 सीटों वाले देवभूमि में इस बार किसकी किस्मत खुलेगी, पहाड़ से लेकर मैदान तक किसका राज चलेगा, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में नतीजों से पहले तस्वीर साफ हो गई है। उत्तराखंड के एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो कुल 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 26 से 32 सीटें जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 3 से 7 सीट मिल रही है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है, लेकिन इस टक्कर में कांग्रेस थोड़ा आगे है, जो बहुमत के आंकड़े के ज्यादा करीब नजर आ रही है। यानी उत्तराखंड में इस बार सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 40.8%, कांग्रेस को 39.3%, आम आदमी पार्टी को 8.7% और अन्य को 11.2% वोट मिल रहे हैं। मतलब सीटों में जहां कांग्रेस आगे है, वहीं वोट प्रतिशत में भाजपा आगे है। क्या वोट प्रतिशत बड़ा फेर बदल कर सकता है? लेकिन असल नतीजे क्या होंगे, इसकी तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब आपको उत्तराखंड के गढ़वाल की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में उत्तराखंड के हर रीजन की तस्वीर साफ हो गई है। उत्तराखंड के गढ़वाल में सबसे निर्णायक रीजन इसे कहा जाता है, जो अब तक सत्ता का गेम बदलता आया है, लेकिन इस बार यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर दिख रही है। उत्तराखंड की चुनावी जंग का विजेता कौन बनेगा, इसका फैसला गढ़वाल करता रहा, क्योंकि जिसने गढ़वाल जीत लिया समझो पूरा उत्तराखंड जीत लिया। उत्तराखंड की सियासत में गढ़वाल का दबदबा रहा है, क्योंकि 2017 के बाद भाजपा ने जिन 3 मुख्यमंत्रियों को मौका दिया उसमें से 2 गढ़वाल से ही थे। लेकिन क्या इस बार भी ये फैक्टर काम करेगा, क्योंकि एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में इस बार गढ़वाल की 30 सीटों में से भाजपा को 14 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 12 से 14 सीटें मिल रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 0 से 1 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा रही हैं। यानी गढ़वाल में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि भाजपा को थोड़ी बढ़त है, लेकिन क्या ये बढ़त पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि गढ़वाल में आम आदमी पार्टी का भी खाता खोलता दिख रहा है, जबकि कुछ सीटें अन्य के खाते में भी जाती दिख रही हैं। लेकिन क्या ये आंकड़े असल नतीजों में तब्दील होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पहाड़ की जंग इस बार बेहद दिलचस्प रही। अब सी वोटर एबीपी के एग्जिट पोल में मैदान के जो नतीजे दिख रहे हैं, उससे उत्तराखंड की तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। उत्तराखंड की चुनावी जंग में 70 सीटों के संग्राम पर हर किसी की नजर है, लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में 20 सीटों वाले मैदान की तस्वीर साफ होती दिखाई दी।
यहां भाजपा को 5 से 7, कांग्रेस को 9 से 11, आम आदमी पार्टी को 0 से 2, जबकि अन्य को 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो मैदान के रण में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। ये रणभूमि इसलिए भी अहम है क्योंकि माना ये जाता है कि जिसने मैदान जीता उसने उत्तराखंड जीत लिया। इसे आप पिछले बार के चुनावी नतीजों से भी समझ सकते हैं। 2017 में भाजपा ने मैदान की 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने महज 4 सीटें जीती थी। मतलब साफ है कि एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार मैदान में भाजपा का दायरा सिमटता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की 70 सीटों पर एबीपी सी वोटर ने सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया, जिसमें लोगों ने बड़ी ही बेबाकी से बताया कि आखिर वो किस पार्टी और किस चेहरे पर भरोसा जता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को सबके सामने होंगे, लेकिन उत्तराखंड की कुमाऊं मंडल की 20 सीटों पर एग्जिट पोल में जो तस्वीर निकल कर सामने आई है वो आपके सामने भी अब रखते हैं। उत्तराखंड की जनता ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान बंपर वोटिंग की और अब इंतजार है 11 मार्च का, जब परिणाम सबके सामने होगा, जिसे लेकर उत्सुकता भी देखने को मिल रही है। ऐसे में एबीपी सी वोटर ने उत्तराखंड में किया सबसे बड़ा एग्जिट पोल और अब सामने रखने जा रहे हैं कि उत्तराखंड के नतीजे क्या रह सकते हैं। ऐसे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुमाऊं मंडल में नतीजे क्या हो सकते हैं। दरअसल कुमाऊं मंडल में कुल मिलाकर 20 सीटें हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कुमाऊं मंडल की 20 सीटों में से 7 से 9 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को 11 से 13 सीटें, तो आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कुमाऊं की 20 सीटों पर एग्जिट पोल हुआ है, उसमें साफ है कि कुमाऊं में कांग्रेस मजबूती के साथ उभरती हुई नजर आ रही है, जबकि 2017 में इसी कुमाऊं मंडल की 20 सीटों में से 15 सीटों पर भाजपा का परचम लहरा था। यानी इस बार कुमाऊं की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है, लेकिन फिर भी भाजपा कुमाऊं मंडल में उतनी कमजोर नजर नहीं आ रही है जितनी 2017 में कांग्रेस हुआ करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में 70 सीटों का जबरदस्त संग्राम हुआ। गढ़वाल से मैदान तक सभी दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आपको दिखाते हैं एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल में नतीजों के लिए क्षेत्रवार अनुमान क्या रहा है। उत्तराखंड में इस बार किसकी विजय होगी और किसकी हार, ये जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में क्षेत्रवार नतीजों पर नजर डाली जाए तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। गढ़वाल की 30 सीटों में से भाजपा को 14 से 16 सीटें, कांग्रेस को 12 से 16, आम आदमी पार्टी को 0 से 1, जबकि अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर 2017 में गढ़वाल के नतीजों की बात करें तो भाजपा को 26, कांग्रेस को 3, अन्य को 1 सीट मिली थी। मतलब गढ़वाल में भले ही भाजपा आगे हो, लेकिन पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। जबकि एग्जिट पोल में कुमाऊं के नतीजों को देखा जाए तो इस बार भाजपा को कुल 20 सीटों में से 7 से 9 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को 11 से 13, आम आदमी पार्टी को 0 से 1, अन्य को 0 से 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जबकि 2017 के नतीजों को देखा जाए तो कुमाऊं में भाजपा ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इसी तरह कांग्रेस ने 4, अन्य ने 1 सीट जीती थी। अगर मैदान की बात करें तो यहां भी एग्जिट पोल में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहां भाजपा को 5 से 7 सीटें, कांग्रेस को 9 से 11 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 से 2, जबकि अन्य को 2 से 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मैदान में 2017 के नतीजे से तुलना की जाए तो साफ है कि इस बार भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2017 में यहां भाजपा को 16, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। मतलब एग्जिट पोल की माने तो इस बार कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में आखिरी चरण की 54 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। अब सभी की निगाहें 10 मार्च की तारीख का इंतजार कर रही हैं। जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि किसकी किस्मत खुली और किसकी किस्मत बंद हुई, क्योंकि 7वें चरण में 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। वहीं कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला भी होना है।
खत्म हुई यूपी की फाइनल लड़ाई, कौन करेगा लखनऊ पर चढ़ाई। सभी 403 सीटें लॉक, 10 मार्च के नतीजे किसे देंगे शॉक। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो चुकी है। सातवें चरण की जिन 54 सीटों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, उन सब पर मतदान हो चुका है। साथ ही लॉक हो गई है मैदान में उतरे सातवें चरण के सभी 613 प्रत्याशियों की किस्मत, जिनका फैसला जनता ने अपने वोट से कर दिया है। सातवें चरण में करीब 56% मतदान हुआ। यूपी की आखिरी जंग में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल भी किया, कहीं कोई गड़बड़ी न हो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिसमें भाजपा से सपा में आए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इसके अलावा बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से रमाकांत यादव और जौनपुर की मलहनी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की किस्मत का फैसला भी जनता ने कर दिया है। कुल मिलाकर सातवें चरण के बाद यूपी की सभी 403 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें 10 मार्च की तारीख पर टिकी है, क्योंकि जब एक एक ईवीएम खुलेगी और फिर हर सीट का फैसला होगा और पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।